गई हूँ मैं यहाँ 4 घंटे स्पेंड करने वाली हूँ कंटिन्यूसली। आज ने कहा हेयर वॉश कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे जगह जाना है, पता नहीं कौन सा काम पहले करूं और कौन सा ना करूं। सारे काम इम्पोर्टेंट है। अभी तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जो मैं एवरी वीक जाती हूँ, बट इस दौरान काफ़ी गैप हो गया है, तो मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगी। वहाँ से फिर मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मेरा आज का जो स्केड्यूल है ना, टोटली हैक्टिक होने वाला है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मुझे इमिडिएटली ख़त्म करके पहुँचना है। मतलब जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आई हूँ, वहां से तुरंत खत्म करके भागना है दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह खत्म करके वहां से भागना है तीसरी जगह। मतलब पता नहीं क्या करने वाली हूँ, टाइम पे पहुंचना भी है हर जगह मुझे। मैं पहुंच चुकी हूँ, आई होप कि जल्दी जल्दी वो कर ले, क्योंकि बहुत वक्त लेते कि मुझे पहुँचना भी है कहीं और, तो देखती हूँ कितना टाइम लगाते हैं अभी मेरा डॉक्टर। रिहर्सल के लिए मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ, एक इवेंट है मेरा आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो आज रिहर्सल रखा है, तो वहीं जा रही हूँ, तो सीधा हम वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, अभी मुझे जो स्टूडियो नंबर है वो ढूँढना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ स्टूडियो, यहाँ पर होने वाला है मेरा रिहर्सल। ये जो है हमारी कोरियोग्राफर है, मुझे यही प्रैक्टिस करवाने वाली है। से हाय। अभी जल्दी से देखती हूँ कि कितना हार्ड स्टेप देगी है मुझे करने के लिए। 3 दिन रिहर्सल कंटिन्यूसली नहीं होंगे, जैसे कि आज मैं एक एक्ट करने वाली हूँ और कल आके पूरा टोटली इंडियन एक्ट का रिहर्सल करूँगी। थक गई हूँ मैं यहाँ 4 घंटे स्पेंड करने वाली हूँ कंटिन्यूसली, बहुत भूख लगी है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मेरा रिहर्सल कैसा चल रहा है। आज का रिहर्सल ख़त्म हो गया है, कैन यू बिलीव 4 आवर्स में यहाँ पर थी, भूखी प्यासी। अभी मैं जाने वाली हूँ सीधा हेयर कट करने के लिए, कार में बैठ के बात करते हैं, पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बाय गॉड गाइस, मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी है ना, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर मेरा हेयर कटिंग करने के लिए, आप देखिए स्वेटिंग कितना हो रहा है। लोग एक ही पार्लर में सब कुछ करवाते हैं, मेरा सब कुछ उल्टा है, हेयर कलर कहीं और, एक मिनट, हेयर कलर कहीं और, हेयर कट कहीं और, नेल्स के लिए कहीं और, ओ माय गॉड, वैक्सिंग के लिए कहीं और। हे भगवान, मैं पागल लड़की देखा है कभी आपने? मुझे देख लिया ना, इतना काफ़ी है। चलो अभी जल्दी से चलते। मैं हेयर कट करने के लिए क्यों अलग जगह जाती हूँ वो रीज़न भी मैं बताऊँगी। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि ये जो जहाँ जा रही हूँ उनका नाम है लता आंटी,
उनके हाथ में ना जादू है, मीन्स अगर उनके हाथ से हेयर कट करो ना तो आपके हेयर की ग्रोथ बहुत जल्दी होते है, तो इसलिए मैं स्पेशली उनके पास जाती हूँ हेयर कट करने के लिए। एवरी 3 मंथ्स मैं जाती हूँ, तो ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। रिहर्सल करके आने के बाद मेरा हेयर जो इतना गीला हो चुका है, तो आज ने कहा हेयर वॉश कर लूँ। तो गाइस, ये रही लता आंटी जिनके पास मैं स्पेशली आती हूँ हेयर कट करने के लिए। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी जल्दी हो तो इनके पास आइए। तो अभी फटाफट मैं कर लेती हूँ हेयर कट। यू आर ऑल वेलकम। तो गाइस, ये मेरा हेयर कट के बाद ये रहा लुक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये हेयर कट आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे बाय द वे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये हेयर कट कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, बाय।